गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं खूबसूरत दिन की। तो अभी हम हैं शस्त्र धारा पे और यहीं से हमने लास्ट ब्लॉग एंड किया था और यहीं से हम नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सो भाई, मौसम एक नंबर हो चुका है इस टाइम पे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मतलब बारिश नहीं हुई है, बारिश आसपास हुई होगी, यहाँ नहीं हुई है। बाकी नीचे गाने चल रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए। अभी हमने ऐसे कुछ फाइनल नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जो कुछ भी होगा आपको गाड़ी में जाकर पता चलेगा। गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर रखी है, पार्किंग हम 100 रुपये दे चुके हैं। तो चलो फिर चलते हैं। ये लोकेशन बड़ी सही लग रही है पर मेरे को, है ना, जिस बंदे का ये घर होगा यहाँ पे, क्या मजेदार है ना। मतलब यहाँ पे घर बनाए, यहाँ पे आराम से चाय बनाए, मतलब यहाँ किचन बनाए और यहाँ आराम से बालकनी और यहाँ चाय पिए और सामने देखे लोगों के ड्रामे, कितना बढ़िया ना। कोई मस्ती में है, कोई मजे ले रहा है, कोई खुश है, कोई फैमिली के साथ है, कोई अकेला है, कोई कपल है कि नहीं। तो यहाँ से सबको दिख सकता है और यहाँ से मस्त। अबे क्या कर रहा तू? ओ ये भूतिया घर है, इसमें मना किया था चाचा ने, नीचे ईंट को मत छूना। एक भी ईंट अगर तूने छुई तो तेरे घर पे उड़ के आ जाएगी, तेरे सर पे आके फोड़ेगी। दो छुई है, सारी छू दे, घर पे आ जाएगी, घर बना लियो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाएगा। चले सर, चलो चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं। सुबह से 3:30 हो गए और अब जाके कहीं खाने का जो है समय निकला है, तो अब कुछ खाना वाना खाएंगे, है ना। खाना मंगाया, बाकी साइड में अपना शस्त्र धारा में लोग नहा रहे हैं तो इनका हल्ला गुल्ला ही रहा है। हम अभी नहाएंगे, हम ऐसी जगह नहाएंगे जहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा, जिससे आपका खूबसूरत बदन कोई देख ना ले। चलो भाई खाना खाते हैं, फिर क्या चलेंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं, अब भूख लगी बहुत तेज। शंभू जी, खाना देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉफी, चलो भाई खाना खा जाना हो गया, अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन में। भाई मुझे तो नींद आ रही है। गाड़ी निकालो भाई, अब डिसाइड करते हैं फिर किधर चलना है, ऊपर या नीचे। अभी हम जा रहे हैं मॉल नहीं माल देवता की तरफ। हाँ, माल देवता की तरफ। और उससे पहले हमें एक भाभी तो जा रहा था, क्या नाम था वो, लच्छे वाला, वो तो आ गया उसके। तो पहले माल देवता चलते हैं फिर क्या देखेंगे। चलो भाई गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठ के जान सी जान आती है, नहीं तो भाई साहब इस टाइम पे ना मेरा पेट, ये साइड में ये भाई जेब्स, और उसके अलावा ट्राइसेप और क्या कहते हैं मेरे शोल्डर और चेस्ट सब दुख रहा भाई साहब। जो मैंने चैनल ले रखा है ना वो शेफ फॉर 30 डेज, इसीलिए वाइटामिन सी वाइस में मैंने नींबू डाल दिया था, मैंने थोड़ा सा वाइटामिन सी पियेंगे। सुबह से पानी भी नहीं पिया हमने, झूठ बोल रहा, दारू मिला। दारू का रंग सफेद होता है, बोर्ड का रंग सफेद ही होता है, झूठ के बोल रहा। अच्छा बेटा सारी चीजें पता है तुम्हें, तो है तो भाई पीता है तो पता होना चाहिए। अच्छा भैया सही। अभी हम आ चुके हैं माल देवता रोड पे और वहाँ से ज्यादा पास ही है, ज्यादा दूर नहीं था, वहाँ से 6-7 किलोमीटर था, अभी यहाँ से भी इतना ही है। तो बहुत ही सही रोड है पर ये वाला अभी तक तो मतलब बहुत सही, मुझे लगता है इस पे ज्यादा शांति रहेगी उसके मुकाबले। इस पे थोड़े कम लोग जाते होंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉमर्शियल हो गया, तो वहाँ पे फिर भी भीड़ है। इस पे अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, बाकी आगे जाके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। भाई लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे घर मिल जाए ना किसी को या रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट खोलने के लिए, बहुत सही जगह है ये। एक जगह तो ये दिख रही है हमें, यहाँ पे तो नीचे लौंडे बैठे हुए हैं अपना दारू पी रहे हैं, चकना खा रहे हैं। इधर फैमिलीज है, अच्छा पार्टीशन है बीच में पुल का, इधर फैमिलीज, उधर इधर लौंडे हैं। सही है, अब हमें जाना किधर है, लौंडे की तरफ। अच्छा अच्छा, और भी आगे जाना है हमें, तो वाटरफॉल को जाना ना पहले। बहुत बढ़िया जगह है, देखिए यहाँ पर कैफे वैफे से, मतलब कैफे तो नहीं कह सकते, ढाबे से बने हुए हैं और लोग खा रहे हैं मस्त बढ़िया आराम से, यही नहा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है, यही जिंदगी चाहिए और क्या चाहिए, है ना। पानी बहुत कम है, पानी कम है, हाँ जिस हिसाब का हमने सोचा था उस हिसाब का पानी नहीं है, बहुत ही कम ज्यादा पानी है, बहुत ही कम पर ज्यादा पानी। ग्रीनरी देख रहे हो भाई, क्या मस्त ग्रीनरी है, बहुत सही है। हाँ ये रास्ता ही बढ़िया था, मस्त ऑफ रोडिंग हो रही है हमें, मस्त मतलब ऐसे ऐसा कोई खराब रास्ता नहीं है पर पतला है तो मजेदार है। बाकी नीचे अगर इसमें पानी और ज्यादा होता ना तो मजा ही आ जाता,
कोई बात नहीं, ऊपर मिल जाएगा, ऊपर देखते हैं वाटरफॉल उस तरफ। तो अभी इधर कहाँ जा रहे हैं फिर हम? इधर वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल होगा भी, अभी यहीं पर पानी नहीं है तो सूखा ना पड़ा हो। चलो देख के आते हैं, वहाँ आए हैं तो और क्या भाई, ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल में लैंडस्लाइड हुई यहाँ पे ना, सेक्सी लग रहा है एकदम, सेक्सी डर लग रहा है। इसमें डर वाली क्या बात है, इससे ज्यादा खतरनाक रास्ते नहीं देखे तुमने स्पीति में? देखे तो फिर क्या कह रहा, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तो है नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड जगह नहीं। हाँ मतलब यहाँ पे ऐसा लगा है ना, यहाँ पे वैसे रस्ते होंगे, मजेदार रस्ते हैं एकदम, मजा ही आ गया भाई। इसीलिए माल देवता है हम, है ये है अनएक्सप्लोर्ड देहरादून, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। यात्रा पता सरस्वती धारा वगैरह तो सब आते हैं ठीक है, पर इस साइड में कम लोग आते हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई ऐसे नॉर्मल जो टूरिस्ट है वो यहाँ प्लान करके आए। हाँ। ये तो हमने पूछ पूछ के और गूगल पर सर्च करके जब हम आए कि भाई यहाँ भी जा सकते हैं और जा सकते हैं, और ये बहुत अच्छी जगह है, ऐसी जगह ही अच्छी लगती है जहाँ शांति हो, लोग कम हो, ज्यादा शांति और बिल्कुल पीस, आराम से जो तुम करना चाहो करो, मतलब बैठना चाहो शांति से, जैसे ये लोग नीचे बैठ के अपना कार्यक्रम कर रहे थे बोतलों वाला, वो करना चाहो वो कर सकते हैं लोग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या सही है, जो कर रहा है वो सब सही है भाई। देखो कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा, पर मेन बात ये है, गाड़ी पी के नहीं, पी के गाड़ी में चलाओ और अगर पियो तो बोतल कहीं में छोड़ो, घर लेके जाओ, बस और क्या चाहिए, और तुम किसी को रोक ही नहीं सकते। भाई नीचे देख रास्ता जा रहा है, वो रास्ता उतर के जा रहा था ना, देख देख, हाँ नहीं नदी तो सूखी पड़ी है, गोरी नदी वो तेज चल रही है, वहाँ लोग भी ना रहे हैं, देख वही जगह है, वो वही जगह है नीचे जो रास्ता जा रहा है। तो पहले हम इधर तो देख के आते हैं फिर चलेंगे, लेकिन वहाँ कैसे, वहाँ जाने का रास्ता, वो यार रास्ता देख ऊपर, ऊपर जो रास्ता जा रहा है वहाँ से, और लोग देख वहाँ नहा रहे हैं, वहाँ लोग नहा रहे हैं और ये ऊपर से एक रास्ता जा रहा है, कैसे रहे हैं। मैं अभी चलेंगे, पहले तो वाटरफॉल देख के आते हैं, चल उसके बाद घूमना ही है आज, पूरा देहरादून छान मारेंगे हम, पूरा सारी लड़कियों के पता निकाल साले, बता दो किसी को, किसी लड़की का पता निकलवाना हो तो आज देहरादून में गाड़ी में बहुत डीजल है, सिर्फ गाड़ी आज घूमेंगे, कोई किसी कोई दिल टूटा आशिक हो फोन कर दे। हाँ, लेकिन सिर्फ पहाड़ों पे जो रहती हूँ, सिटी में नहीं, सिटी में नहीं जाएंगे हम। भाई बीच बीच में ऐसे गांव मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सही लगते हैं यार, देखना क्या यहाँ पे खेती हो रही है, इसका नाम है आदर्श गांव। एक तो पता है उत्तराखंड में ग्रीनरी बहुत है तो बहुत सुंदर लगता है ये वाला एरिया, है ना। अभी हम अपना वाटरफॉल ही ढूंढ रहे हैं, अभी तो आया नहीं, कहाँ रह गया ये आदर्श गांव, ये आदर्श गांव है भाई, तो आदर्शवादी लोग रहते हैं इसमें, तो यहाँ पे फालतू नहीं बोलना भाई, ठीक है। अभी वाटरफॉल नहीं मिला ना तो मैं अपने आदर्श भूल जाऊंगा सारे भाई, वो तो उसके ऊपर है ना, क्या मानसून वानसून गया तेल लेने, वाटरफॉल चाहिए तो चाहिए, कहाँ है ढूंढ साले, कहाँ है वाटरफॉल, यहाँ कैंप्टीफॉल क्या करने जाएगा, ये रहा वाटरफॉल भाई, कहाँ है ये रहा, कौन सा, ये भाई देखो ये पहुंच गए साले, ये क्या वाटरफॉल है, ये पानी है, ये नाली वाटरफॉल है, नहीं भाई अच्छा खासा नीचे देखो तो उतर के, अबे नीचे खाई है भाई, अरे नहीं मैंने अभी देखा है, पतली पतली धार जा रही है, पतली धार तेरी साली, तेरे पतली धार बनाऊंगा, रुक जा पहले गाड़ी देखो है, अच्छा खासा है, ऊपर जाके देखो वो रहा अभी गाड़ी खड़ी कर दो फिर बताऊंगा आगे, है आगे देखो बोरी बोरी। तो भैया अपनी गाड़ी खड़ी कर दी हमने वहाँ, और अभी हम जा रहे हैं ये टिन्नू से वाटरफॉल को देखने के लिए। साले ये वाटरफॉल है, ये नाली है छोटी सी, ऊपर देख के आते हैं, चलो भैया कोई भी नहीं है हमारे अलावा, पर अच्छी अधिक पानी की आवाज़ अच्छी लग रही है क्योंकि शांति है यहाँ पे, शांति ये है भाई, ये टिन्नू सा वाटरफॉल, ये पानी बह रहा है नीचे जा रहा है नीचे गांव तक, ऊपर तो कुछ है नहीं मैं लगता है, ऊपर भी है, आवाज़ के चक्कर में जानवर भी हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि जंगल है ये पूरा, कहीं पता चले अनएक्सप्लोर्ड देखने के चक्कर में हम ही जो है यहाँ से एक्सप्लोर होना बंद हो जाए, इस दुनिया से ही हम ही अनएक्सप्लोर हो जाए, हैं और जंगल है, और हम इस टाइम पे चप्पल पहन के आए हैं, जूते वूते पहन के आने चाहिए थे हमको, पर ये लोकेशन ये है कि मार्क कर सकते हैं कि जब दो तीन ज़्यादा लोग हों तो मस्त घूम के आए, पर तो क्योंकि फिर ज़्यादा लोगों में जानवर हमला नहीं करता, ये तो बात, और हमें पता ही नहीं इस एरिया का भी क्या हिसाब किताब है, और जहाँ पता ना हो तो वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्या कह रहा, मुझे शेर का इतना डर नहीं जितना लंगूर और बंदर का, शेर का डर नहीं तेरे को, यहाँ शेर वैसे होते नहीं है, यहाँ लेपर्ड, इस साइड में लेपर्ड होंगे, टाइगर तो इस साइड में नहीं होगा, यहाँ पहाड़ी है, लेपर्ड हो सकते हैं यहाँ पर, हो बाकी जानवर तो छोटे भी अगर जब आ जाते हैं ना इकट्ठे होके तो वो भी अस्त से मार देते हैं कोई भी हो, बाकी लोकेशन बहुत शांति भरी है, आराम से बैठ सकते हैं, और ज़्यादा लौंडे हो तो ऊपर जा सकते हैं, मुझे लगता है शायद ऊपर बड़ा वाटरफॉल होगा ये, क्योंकि रास्ता तो जाता है छोटा छोटा, रिस्क नहीं लेते फालतू में, क्योंकि भाई जंगल है पूरा, और अभी हम सबसे बड़ी बात है कि सांप वहाँ बहुत से चाहिए, हम चप्पल पहन के आए, जूते तो पहन के आए कम से कम, सांप काट गया तो फिर वो देखा था वो क्या कहते हैं कौन सी पिक्चर है फुकरे है कौन सी है वो, उसके पिछवाड़े पे सांप काट जाता है,
चले नीचे फिर यार, और थोड़ा सा देखे नहीं, अब चलना है जगह ढूंढेंगे वो वाली नदी वाली, नदी वाली नहाने वाली, नहाने का मन कर रहा है ना। चलो पहले एक बार मैं सोच रहा हूँ आगे तो थोड़ा चक्कर मारे वहाँ से देख के फिर आएंगे वापस। चलो चलो गाड़ी में बैठो। तो भैया अभी भैया से पूछा हमने, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि वाटरफॉल पे ऊपर ये, अरे वो क्या कर रहा है ए साले। तो भैया बता, ये जो वाटरफॉल है ये ऊपर क्या कहते हैं ऐसे नाला सही है, ज़्यादा कुछ खास बड़ा है नहीं, बाकी ये कह रहे हैं देखने की जगह नीचे वही है, यहाँ पर नीचे नाले वहाँ पर नदी है वहाँ पर बैठ सकते हो, और ऊपर एक नदी है वहाँ बैठ सकते हो। तो ये कह रहे हैं ऊपर वाली जगह उसे भी देख के आ सकते हो, अच्छी है। तो ऊपर ही चलेंगे, ऐसे यू टर्न लेंगे और जहाँ बीच में एक पुल पड़ा था वहाँ से ऊपर जाएंगे। देहरादून डिफेंस एकेडमी है, और सही में दे रहे हैं बच्चे यहाँ क्रिकेट विकेट सब खेलते हैं। हम जा रहे हैं किसी गांव में जो कि हमें भी नहीं पता रास्ता है यहाँ का, इस पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फिर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके आते हैं, मजेदार रास्ता है, बहुत ही ज्यादा नहरा, उससे ज्यादा नहरा है, कच्चा है पूरा का पूरा। तो थार अपने साथ है तो अपने को कोई डर ही नहीं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे थार आई तो लगता है कि बस चौड़ी होना चाहिए सड़क इतना कि एक गाड़ी आए, उसके बाद तो हम देख लेंगे, बस जगह होनी चाहिए घुसने की, घुसा तो हम देंगे। नीचे भी देख लोग है भाई, भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, पता बीच बीच में पानी का बहाव तेज है, वो सड़क से उतर रहा है वहाँ पे, नीचे उतर के आ रहे हैं लोग, वहाँ पे भी आगे खड़े हो रहे हैं। तो एक बार भी गांव को देख के तो आते हैं, वो भैया बता रहे हैं गांव बाकी कुछ नहीं है, तो मैंने एक बार उत्तराखंड के गांव भी देख के आते हैं थोड़े से अंदर से डिटेल में, मतलब ऐसे घुस के नहीं जाएंगे, थोड़ा पास से देख लेंगे बस, आ जाएंगे वापस। हम बेसिकली रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसा लगेगा क्या है, स्क्रैच मरवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, थोड़ा बहुत स्क्रैच तो आनी है जब चलेगी गाड़ी है कि नहीं। चलो चलते तो भाई अभी बादल गरजने स्टार्ट हो चुके हैं, तो मतलब कभी भी बारिश हो सकती है, और पूरा देखो सूरज देवता भी चले गए, जबकि टाइम अभी 5 बजने वाले हैं। और ये है वो गांव जिसके ऊपर जो है हम यहाँ आए, जिसकी वजह से हम आए। तो भाई बहुत ही सही लग रहा है, मतलब बहुत करीब से देख रहे हैं ना, एकदम रॉ है। तो देखो गाँव तो मैंने पहली बार ही देखा है पहाड़ों में, मतलब हाँ पहाड़ों में इतने करीब से हमने इतना कभी मैंने देखा है, शीतला खेत में देखा है, शीतला खेत पर इस टाइप का नहीं है, वो थोड़े अलग टाइप के थे, वहाँ पर पहाड़ी थोड़ी अलग टाइप की, यहाँ तो थोड़ा सा बीच में प्लेन सा भी है, वहाँ ऐसा नहीं था। बाकी यहाँ पे देखो ये बुश का, इसके आई थिंक इसके अंदर ये बुश स्टोर करते हैं, तो वो ये हमारे यहाँ भी गांव में ही बनती है। सो बहुत ही सही है, यहाँ पे देखो मशीन वगैरह है, सही है, मतलब बहुत ही शांति है, सिर्फ यहाँ पे जो चिड़िया है ना उनकी भी आवाज़ आ रही है, इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर। और इसके उस साइड एकदम रिवर है, तो जो रोड जाता है वहाँ से आता है, तो वहाँ पर नहाने की जगह। सो अभी हम सोच रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से मोड़ते हैं और रिवर साइड में ही चलते हैं वहाँ पे, है ना, वहीं के थोड़ी देर बैठेंगे, मैं थोड़ी सी मतलब इसी में बैठेंगे। हाँ बीच बीच में पता है यहाँ पे बहुत सारे रिसॉर्ट भी हैं, तो जितने भी और देखा UK 07 गाड़ियाँ हो गई या दिल्ली हरियाणा की हो गई, जिन लोगों को शांति चाहिए ना वो सब यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर शांति से चुपचाप बैठे हैं, अपना इन्जॉय कर रहे हैं, जो भी अपना खाना पीना है अपना मस्त लिटिल लिटिल ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं टेंशन फ्री। तो वैसे सही है यार, भीड़ भाड़ से दूर टेंशन फ्री आराम से, नदी भी है सब कुछ है, और आराम से बैठो और ये घूमो, पैदल पैदल घूमने का कितना मजा है ना इन जगह। तो अभी चलो वापस गाड़ी मोड़ते हैं और चलते हैं अपनी उसी लोकेशन पर, वहाँ जाके बैठेंगे थोड़ी देर यार, है ना। अब थोड़ा सा मन कर, अब नहाने का तो मन थोड़ा चला गया क्योंकि थोड़ा क्योंकि मौसम ठंडा हो गया ना, नहीं जगह तो नीचे है बहुत सारी नहाने के, लोग नहा नहीं रहे वही नालियों, नहीं नहीं रिसोर्ट के सामने नहीं, मन नीचे उस साइड में, चलो वहाँ देखते हैं फिर, वहाँ जाके जो भी होगा डिसाइड होगा वो देखते हैं क्या हिसाब है, पहले उधर चलते हैं। आंदो 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 यहाँ डाल देंगे अंदर, यहाँ से निकाल देंगे अंदर, आंदो काट दो काट दो काट दो काटो, चलो 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 बस। देखो कितनी मस्त कटवाई है, और बारिश आते हुए आप लोगों को नहीं दिखेगी, हमें महसूस होगी। चलो 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 बस काट दो काट दो काट दो, चलो 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 बस चलो चलो बन के चलो। यहाँ पे कुछ बना रखा है जिसकी 68,000 लागत है, 68 लाख थी, 68,000 थी, 68,000 में तो कुछ भी बन सकता है। क्या बन सकता है, अब कुछ भी बना लो 68,000 में, एक छोटा सा कमरा बना लो। नहीं तो सरकार ने बनाया ना, तो 68 लाख होगा, 68 लाख होगा, कोई पुल वगैरह हो सकता है। हाँ। यहाँ पे लोहे का पुल लगवाया हो ऐसा कुछ, क्योंकि बड़ा तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। भैया बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदें देखो सामने आ गई है विंड स्क्रीन पे, तो भैया अब क्या करना जाए, अब कुछ नहीं बारिश में चला जाए नदी के पास, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ रुकना है, फिर वहीं रुकेंगे। अबे नहाते तो रहेंगे, बारिश रुकेगी नहीं तो फिर पहुंचेंगे कहाँ, क्या अरे नहाएंगे थोड़ी अभी, तो अभी तो नदी के किनारे चलेंगे, पहले नदी किनारे बैठते हैं थोड़ी देर, हाँ। पहले बारिश के हिसाब देखते हैं उसके साथ, हाँ। पहले नीचे उतरते हैं फिर डिसाइड करेंगे। ओके वो देखो भाई उन्होंने कहाँ गाड़ी लगा दी, मजे ले रहे हैं वो सब।
भाई खतरनाक रोड है, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब देना क्या सही रोड है। इस रोड पे लोग पैदल पैदल वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे आराम से क्या कहते हैं कपल्स खड़े हैं, मतलब एक अलग ही ग्रीनरी भाई साहब, इतनी खतरनाक। ये रायपुर रोड है जगह का, इस रोड का जो नाम है रायपुर रोड, भाई बहुत ही मजेदार रोड है। देखना यहाँ पे बहुत सारे जैसे बच्चे स्टूडेंट्स, और ये देखो दिल्ली की गाड़ियां हैं भाई, मतलब इतना ऐसा है कि यहाँ पे खड़े होकर ऐसा शांति से तुम नेचर को एंजॉय कर सकते हो। मजेदार रोड है, एकदम मस्त रोड बना हुआ है, और ग्रीन और नीचे ब्लैक टावर भाई साहब, नया बना हुआ रोड है, और बीच बीच में घर है भाई, लोगों के इतने सुंदर घर है ना, कोठी है। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे मन कर जाए आदमी का कि हमारा भी घर होना चाहिए, ऐसी जगह है, बहुत ही सही जगह है। देखो लोग वॉक कर रहे हैं यार, अंकल दिल खुश हो गया आपकी इस जगह को देख के, और आपके पेट को देख के। अरे अंकल कहाँ तुम, कहाँ तुम, दिल मत खुश करो। हाँ हमारा दिल को हार्ट अटैक आ जाएगा भैया। मसूरी जा रहा है रोड पर, हम मसूरी नहीं जा रहे, हम ऐसे घूम के थोड़ा सा और एक दो चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें वो मिल जाती हैं तो हम आपको दिखा देंगे, नहीं मिलती हैं तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप रोड को एंजॉय करो, क्योंकि भाई ना मिले और दिल में जो है आप जो है फिर दुखी होके जाओ तो वो मुझे पसंद नहीं है, आप दुखी होने नहीं चाहिए। सहस्त्र धारा रोड पे मिला देगा ना दोबारा से, पर हम पता नहीं कहाँ से बस गूगल मैप की वजह से आई गए उसके ऊपर, बड़ा सेक्सी रोड था। अगर लेफ्ट लेंगे तो छोटा रास्ता है लेकिन पतला रास्ता है, और अगर राइट लेंगे तो लंबा रास्ता है लेकिन बड़ा रास्ता है। अबे यहाँ मुड़ना है, यहाँ आना है, अगर दो रास्ते यहाँ से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी जा सकते हैं, 6.9 किलोमीटर वाला, और वो वाला वो 5 पॉइंट कुछ। तो पर वो रोड तो खराब सा था, यहाँ तो मोंग्स बैठे हैं भाई, भाई बीच में बहुत अच्छी अच्छी जगह है यार, इसी रोड पे चलते हैं, रोड बड़ा प्यारा लग रहा है मेरे को। तो अभी हम जहाँ जाने वाले थे वहाँ जाएंगे हम कल, तो अभी हम आ चुके हैं, ये है अपना क्या नाम था, कौन सा देवता था ये, माल देवता पिकनिक स्पॉट। सो यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ आती हुई दिख रही है, ऑफ रोडिंग है प्रॉपर, और अभी शैम्पू जी थोड़ा सा गाड़ी चला रहे हैं, शैम्पू जी भी मजे ले रहे हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग का। नीचे नदी है, साइड में सूखी पड़ी है, पर आगे थोड़ा सा पानी है, तो वहाँ लोग बैठे हुए हमें वहाँ से ऊपर से दिख रहे थे, जब हम थे ना ऊपर से देख रहे थे, वहाँ से कहीं से हम देख रहे थे वाला एरिया। तो अभी नीचे से देख के आते हैं कि क्या हिसाब किताब है, तो बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं सर रोड पे, जबकि रोड ही नहीं है फिर भी चल रही हैं। और यहाँ नीचे साइड में गाँव है, बड़ा सही एरिया यार ये वाला, अच्छा है, मतलब अभी थोड़ा सा यार धूप दोबारा से निकल गई है, जो मौसम हुआ था बारिश का वो सब खत्म, दोबारा से धूप आ गई, जबकि टाइम अभी हो रहा है 6। और ये क्या कह रहा है, यू हिट ऑल 3 गोल्स। मैं तो आज कहीं चला ही नहीं हूँ, कौन से गोल, अच्छा थोड़ा बहुत तो चला हूँ, इतनी जल्दी गोल्स पूरे कर लिए इसने भाई, ऐसी बात। हाँ आज हमने बहुत ऐसी बात है, पैदल पैदल चले हैं, पर ऊपर नहीं गए थे क्या? हाँ सही बात। तो भाई ये है लोकेशन, रिवर पे ही आ गए हम बिल्कुल गाड़ी लेके, यहाँ से रास्ता तो मतलब वहीं तक था गाड़ी का, पर यानी कि अपने पास थार है, हम कहीं भी आ सकते हैं। चलो देखते हैं क्या है, सही लग रहा है, हैं गंदा गंदगी सी पड़ी है, चिप्स विप्स पड़ी हैं इसमें तो, है ना, पर लोग नहा भी रहे हैं इसमें, देखो नहा रहे, सही लग रहा है। ये कर रहे हैं बच्चे स्कूटी टू हो रहे हैं इसमें, सही है। चलो चलो चलो, तो भाई ये है अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन। अभी हम आ चुके हैं पता नहीं कहाँ, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, देखो मैप में भी नहीं बता सकते, और ये एक तरीके से वही पॉइंट है, वही उसी के अंदर आता है, मालदेवता जो है ना, मालदेवता पिकनिक पॉइंट है, उससे बहुत आगे है, पर आगे जाके ऐसे जंगल में जाके रास्ते निकलते हैं, इसमें से बहुत सारे रास्ते कट रहे हैं, अब तुम्हारी मर्जी है तुम कौन से रास्ते से कहाँ कैसे जाना चाहते हो, ऊपर से दिख जाते हैं, देखो वहाँ देखो लोग खड़े हैं कुछ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे नहीं कह सकते, 4-5 लोग हैं, पर बहुत बड़ा एरिया है, पिकनिक चल रहा है। तो भाई सही है, तो देखो एक ढाबा भी यहाँ पे मस्त, भाई देखना क्या मस्त रोड है, उधर नदी किनारे रोड है पूरा, हमें इधर चलना चाहिए ना, देखिए पूरी नदी है सामने, अब देख वहाँ भी लोग खड़े हैं कुछ, और ये एक गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ बैठे हैं, दूर दूर तक घूम के आते हैं थोड़ा सा देख के आते हैं, उसके बाद बैठे, अब नहाने का तो क्या है, देखो अब क्या 6:30 हो गए, नहाने का तो साफ बचा नहीं, पर हम इस बार अब जगह खोज रहे हैं हम तो, कि क्या बेहतरीन बेहतरीन लोकेशन है, क्या अगली बार हमें पता होगा भैया कि कहाँ, देखो ना यहाँ मस्त पानी, हाँ और कल भी हम यही है, तो यही नालेंगे, ये देखना बिल्कुल साइड में बिल्कुल पानी है यहाँ पे, शैम्पू जी दिखाने जरा पानी भाई, ये देखो कितना प्यारा है भाई, मस्त गहरा भी नहीं है, बहाव भी अच्छा खासा है, मस्त जगह एकदम भाई, साइड में जंगल और सामने, अरे ट्रक भैया यहाँ से ले लेते हैं, कहीं हो के भी लिया जा सकता है, डिवाइडर बना रखा है जंगल के अंदर है, अरे यार धूल कर दी हम, सीता खोल रखा है, चाचा यार ये मत करो, अब तो कर दिया, अब क्या नीचे कर ले,
साइड में भाई दो दो स्ट्रीम आ रही है इसमें, इधर ना इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है। नीचे मस्त रिवर चल रही है भाई, हम तो आराम आराम से इसमें चल रहे हैं, मजेदार जगह भाई। मैं अभी थोड़ी देर में शॉर्ट्स ला दूंगा और फिर अंदर जाके बैठूंगा। अंदर जाके बैठेगा पानी में? मैं बस मैं भी वही सोच रहा हूँ कोई जगह देखूं और आराम से नीचे पैर डाल के बैठेंगे थोड़ी देर। यहाँ हाँ सही कह रहा है, यहाँ बैठ के एडिटिंग करते हैं, अपना काम भी हो जाएगा। वो शायद मछली मार रहा है, मछली मार रहा है। देख यहाँ पे तो कुछ मछली पकड़ रहे हैं सामने, देख वो कुछ बाइक वाइक वाले हैं। यही खड़ी कर लूँ क्या? थोड़ी देर यहाँ भी बैठते हैं, खड़े होकर ऊपर से देखते हैं, चलो फिर मैंने कहेगा नीचे चल देंगे मोड़ के। तो भैया अपनी लोकेशन पे आ चुके हम और यहाँ कोई नहीं है, और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे ना साफ है। देखो यहाँ कोई कचरा नहीं दिख रहा, यहाँ लोगों ने बॉनफायर जरूर कर रखी देखो यहाँ पे बीच बीच में, पर यहाँ पे इतना कचरा नहीं है जितना कचरा वहाँ था। हाँ क्या हो गया, नहाने की तैयारी कर रहा है? बेटे नाले नाले साफ पानी है यहाँ पे एकदम। तो ये जगह चाहिए थी मेरे को क्योंकि वहाँ बहुत कचरा था उधर पीछे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही बंदा दिख रहा मुझे, वो जो बाइक से बेचारा अपना देख रहा है वो खड़े होके। तो चलो भाई नीचे देख के आते हैं, सनसेट भी लगभग हो ही गया है। और यहाँ देखो ये पानी क्या सही लग रहा है, पर यहाँ लोगों ने बॉनफायर कर रखा है थोड़ी थोड़ी जगह। बियर की बोतल तो यहाँ पे भी है कम है, पर यहाँ कचरा पर है जरूर थोड़ा बहुत। तो ये कांच वाँच से बच के नहाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कांच वाँच ना हो इसमें। बाकी मस्त पानी है यहाँ पे, साफ़ है, नहाने लायक लग रहा है। वहाँ पे पानी थोड़ा सा मतलब कचरा ज़्यादा पड़ा था तो मन नहीं कर रहा था। क्या सही लोकेशन है यार, मतलब यार देहरादून के आसपास ऐसी सही सही लोकेशन है, मैं पता नहीं था यार, है ना। लोग मसूरी और यहाँ जगह जाते हैं। क्या हो गया, अब गाड़ी कितनी सेक्सी लग रही है भाई यहाँ से। शॉर्ट्स पहनूँ के नहीं? नहीं कच्चे में नाले नहीं, शूट नहीं कर रहा ऐसे नाले। शैम्पू जी मज़ा आ रहा है? फुल मज़ा, फुल मौज, कोई भी नहीं है। लोग नीचे थोड़ा गाड़ी लाने से थोड़ा डरते हैं क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पे इस जगह पे। मतलब ऊपर वाला जो है वो भी कच्चा ही है, पर जो नीचे आने में ना वो तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि फिर गाड़ी मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे। पर अपनी तो थार है, अपनी आ सकती है कहीं पर भी। तो बाकी चलो थोड़ी बहुत देर यहाँ बैठते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। ये चाचा का यहाँ पर सुसु करने आ रहे हैं सामने। तो भैया इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, इज्जत क्यों छुपा रहा अपनी? भाई तो इज्जत ना छुपाओ, छुपाने की चीज़ है मेरी। तो अभी मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी नहाई लूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो लगभग अभी 7:19 हो रहे हैं, तो एक डुबकी लगाते हैं उसके बाद चलेंगे यहाँ से। मेरा बदन दिख रहा थोड़ा ऐसे, कैमरा एंगल संभाल के। अच्छा तो यहाँ से चलेंगे फिर होटल ढूंढेंगे और चलो। ये मर्द की चाहती है इस वीडियो में। ठीक है तो ये इस वीडियो यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। नमस्ते, अलविदा, टाटा और हां बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, कर देना। मिलते हैं कल। अभी क्या है 2022, 2023 सितंबर में देखोगे ना तुम्हारा भाई ऐसे चौड़ में आगे आएगा ना ऐसे बाइसेप्स बढ़ा के। चलो मिलते हैं कल, बाकी हमें यहाँ से अभी होटल वगैरह देखना है तो अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो चलो फिर अपना कल मिलते हैं, बाय।